लोकसभा 2019 चुनावों के सभी चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब बस इंतजार है तो मतगणना का। जी हां, 23 मई पर सभी की नजरें हैं, सब कोई आंखों में टकटकी लगाए 23 मई के परिणामों का इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ही मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, वैसे ही विपक्षी दलों की हवाइयां उड़ चुकी हैं। अब बात की जाए अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बनाया था 25 सीटें जीतने का। हालांकि बंगाल में टीएमसी का वर्चस्व काफी शानदार तरीके से रहा है और ममता दीदी ने पूरे तरीके से बंगाल को अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन इस बार ममता दीदी का बोरिया बिस्तर बंधता दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, बंगाल के अगर एग्जिट पोल्स की बात की जाए तो एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए की सरकार, यानी कि अगर भाजपा की बात की जाए, तो भाजपा कम से कम यहाँ से 27 सीटें निकालने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि ममता के गढ़ में, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर काबिज हो गई, यानी कि अब बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खैर, उम्मीद ये लग भी रही थी क्योंकि बाकी राज्यों में तो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए, लेकिन सातों चरणों में एकदम पूरे तरीके से यहाँ पर ममता दीदी और उनके कार्यकर्ताओं ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। जहाँ तक हो सका वहाँ तक अपने तरीके से अपनी बौखलाहट को दिखाया, दर्शाया। ये बात अमित शाह ने भी कही थी कि भैया बाकी चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है, बाकी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, आखिरकार बंगाल में ही क्यों हो रही है। तो अब बंगाल के लोगों ने दीदी का सूपड़ा साफ करवाने का मन बना लिया है। देखना होगा कि 23 तारीख को मतगणना में क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने बहुमूल्य विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।